अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो वीडियो है वो है फीड के ऊपर कि कौन सी फीड है जो इससे आपका बर्ड सेहतमंद एक्टिव रहेगा, कौन सी फीड ऐसी है जिससे एग प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, किस फीड से ऐसी है जिसमें दोनों चीज़ें आपकी बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके जो एग प्रोडक्शन है वो भी अच्छी रहेगी। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आज शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं पहले तो मिक्स दाना यूज़ करता रहा। मिक्स दाने का ये था कि परिंदों की सेहत तो अच्छी है, लेकिन हम जो बेसिकली एज आ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू मिक्स दाना इतना अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका बर्ड तो चलें एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, लेकिन एग प्रोडक्शन के लिहाज से आप अगर मिक्स दाना यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इतनी एग प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाता है फीड। अब फीड में भी 13 नंबर है। अब काफ़ी लोग पजल हो जाते हैं, यार अब कौन सी फीड यूज़ की जाए। कोई 13 नंबर है, कोई 14 नंबर है, कोई 4 नंबर है। इस तरह डिफरेंट फीड्स हैं। जो दो चिक्स हैं उनके लिए होती है 4 नंबर फीड। 4 नंबर और 14 नंबर, ये दोनों सेम फीड होती हैं। 4 नंबर मैश फॉर्म में होती है, 14 नंबर क्रम्स शेप में होती है। ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। 4 नंबर जो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो मुझे फ़ायदा रहा वो किस, मतलब जब चूज़े डे ओल्ड से लेके जब तक आपके चूज़े ब्रीडर ना बन जाएं और एग लेइंग शुरू ना कर दें तब तक आप 4 नंबर या 14 नंबर नेशनल की फीड यूज़ करें। उससे आपके चूज़े की ग्रोथ अच्छी होगी, सेहत अच्छी बनेगी। तो ये तो हो गया 4 नंबर 14 नंबर, सिर्फ तब तक जब तक आपके चूज़े ने ब्रीडर नहीं बन गया और उसने एग लिंक शुरू नहीं कर दी मुर्गी ने, और मुर्गे ने क्रॉसिंग शुरू नहीं कर दी। अब आ जाता है जब मुर्गियां एक दफ़ा एग लिंक शुरू कर दें और ब्रीडर बन जाएं तब कौन सी नंबर फीड यूज़ करनी है। तब इसमें आ जाती हैं जब 13 नंबर और एक आ जाती है 18 नंबर। जो मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आपने 13 नंबर फीड यूज़ नहीं करनी। अगर आपका मकसद है जस्ट अंडे लेना, कुछ लोग सर्दियों में काम करते हैं कि उन्होंने काम करना होता है कि अंडा सेल करना होता है, तो उनके लिए तो 13 नंबर ठीक है। 13 नंबर जैसे भी हो आप मुर्गी से अंडा दिलाएगी, वो मुर्गी की सेहत का कोई ख्याल नहीं करेगी। मतलब जितने आप उसे 13 नंबर फीड यूज़ कराएंगे एग की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन उससे ये है कि मुर्गी अंदर से खोखली हो रही होती है। 13 नंबर मुर्गी की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि एग लेइंग के लिए 13 नंबर बेस्ट फीड है। लेकिन हम जो एज अ फैंसियर हैं, जो फैंसी पोल्ट्री का कारोबार करते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें इस मद्देनज़र रखनी होती हैं। एक, मुर्गी की सेहत भी अच्छी रहे, फर्टिलिटी अच्छी हो, मुर्गी की फर्टिलिटी आए और एग प्रोडक्शन भी अच्छी आए। तो उसके लिए फिर ये होता है कि 18 नंबर नेशनल की 18 नंबर फीड है, इसे ब्रीडर फीड भी कहते हैं। ये इसका रिजल्ट मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है 18 नंबर फीड। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि पहले मैं कौन सा यूज़ कर रहा था, उसका मुझे क्या नुकसान हुआ, और फिर मैं अब कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये मैं फीड ले, कभी भी आपने वो खुली फीड नहीं लेनी है। जब भी आप लें पूरा तोड़ा लें, वो आपको महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो आपको यकीन होगा कि वो बिल्कुल फ्रेश और अच्छी फीड होगी। अब ये मैं लेके आया था 13 नंबर फीड। 13 नंबर फीड मैंने ओपन में ले ली, तोड़ा ले लिया ओपन में। अब बंदा लालच करता है कि यार अब ये मैं पूरा तोड़ा ले आया हूँ तो अब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर ही मैं अभी। जब भी आपने ऐसे होल सेलर से आपने फीड का इंतखाब करें जिसके पास फ्रेश फीड हो, ये आपने ज़रा चेक करना होगा। फीड को ज़रा स्मेल करके, फीड को हाथ में पकड़ के आपको पता चल जाएगा कि ये फीड पुरानी है या फ्रेश है। कभी भी पुरानी फीड आपने अपने बर्ड्स को नहीं खिलानी। अभी मैंने, मेरे साथ ये हो चुका है कि मेरे 6-7 बर्ड्स एक्सपायर हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ ये 13 नंबर पुरानी फीड खिलाने की वजह से। ये मैंने ओपन में ले ली थी, तकरीबन मैंने इस तरह लिया कि मैंने जाकर 40 किलो बनवाना था फार्मूला, मैंने उसमें 30 किलो 13 नंबर फीड डलवा ली, 10 किलो मिक्स दाना डलवा लिया। इस तरह का मैं फार्मूला बनवा के आ गया। उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मेरे बर्ड्स के पोटे जाम होना शुरू हो गए। एग प्रोडक्शन मेरी अभी देख रहे हैं तकरीबन 30 से 40 फीमेल हैं, और मुझे एग्स कितने मिल रहे थे, 2-3 2-3, इस तरह एग्स मिलना शुरू हो गए। तो मैंने लालच में ये किया कि यार चलो ख़त्म होती है तो फिर मैं दूसरी लाता हूँ। आपने इस तरह कभी नहीं करना है। जूँ ही देख लें कि आपकी फीड गलत आ गई है, ख़राब आ रही है, आ गई है, मुर्गियाँ नहीं खा रही हैं, वो मुर्गी खाए ना, मैं पड़ी रहे, मैं कहूँगी खुद ही ख़त्म कर लेंगी। जब देखें आपकी मुर्गी फीड वो नहीं खा रही, समझ लें उस फीड में कोई मसला है, इसलिए आपकी मुर्गी वो फीड नहीं खा रही, शौक से नहीं खा रही, मजबूरन खा रही है, सिर्फ अपना पेट वो भरने के लिए वो मजबूरन खाएगी थोड़ा थोड़ा करके। तो आपने फ़ौरन से उस फीड को चेंज कर लेना है, अगर ऐसी फीड अगर आप ले कर आ गए हैं। अब ये मेरी फीड आ गई थी 13 नंबर, तो अब ये मैंने चेंज नहीं की कि यार ख़त्म हो जाए तो फिर मैं लेके आता हूँ दूसरी। उसका मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरे 5-6 ब्रीडर मर गए और मेरी एग प्रोडक्शन बिल्कुल 0 पे आ गई और मुर्गियों के पोटे जाम होना शुरू हो गए। अब अदरवाइज़ मैं देखा जाऊँ तो मुझे लॉस कितना का हो गया कि अगर वही मैं उसी टाइम दूसरी फीड ले आता नई वाली, तो मुझे इतना लॉस ना होता जो मुझे अभी लॉस हो गया। अब ये देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो फीड मैं अब लेके आया हूँ, ये है वो 18 नंबर फीड। ये मैं
थोड़े से बच गई थी तो ये बाहर पड़ी है, ये है वो पूरा तोड़ा। ये 18 नंबर नेशनल की फीड है जो मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ अपने ब्रीडर्स को। इससे ये है कि आपके बर्ड्स की सेहत भी A1 अच्छी रहेगी और मुर्गे की फर्टिलिटी मतलब बहुत अच्छी आएगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंडों में चूजा बन ही नहीं रहा, एक होता है चूजा डेड इन शेल हो रहा है तो वो इतना ब्रीडर का नहीं होता। अगर आपके अंडे में चूजा बन ही नहीं रहा, फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही, तो आपने ये 18 नंबर फीड यूज करनी है नेशनल की। इसे ब्रीडर फीड भी कहते हैं। किसी भी आप जाएं उससे बड़ी पोल्ट्री शॉप, उसके जाकर आपने कहना कि हमें 18 नंबर फीड दे दे नेशनल की, ये 18 नंबर फीड है। इससे मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, इससे मेरी एग प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, इससे मेरे बर्ड्स की सेहत अच्छी बनी है। तो जब भी आप फीड करें, अच्छी से अच्छी फीड का इंतखाब करें, फ्रेश फीड लेके आएं, तभी आपको जो है एग प्रोडक्शन भी अच्छी मिलेगी, आपके बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है वो फीड के ऊपर होता है। अगर आप फीड अच्छी यूज़ नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स की सेहत भी ख़राब होगी, फिर जितना खर्चा आपने फीड से बचाया होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपका मेडिसिन वगैरह इन चीज़ों पर खर्चा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूं कि मुझे क्या इसमें नुकसान आया और क्या फिर मुझे फ़ायदा हुआ। क्योंकि कई लोग मुझसे हर टाइम पूछते रहते हैं कि भाई चूज़ों को कौन सी फीड दें, बड़ों को कौन सी फीड दें, ब्रीडर को कौन सी फीड दें, एग वाली मुर्गियों को कौन सी फीड दें। तो ये छोटा सा एक है कि 13 नंबर फीड, अगर आपको सिर्फ एग चाहिए, मुर्गी की सेहत का आपको कोई नहीं है, तो आप 13 नंबर फीड यूज़ कराएं, आपको एग लेंग बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन उससे ये है कि आपका ब्रीडर ख़त्म हो रहा होगा। ये जो फार्मर हजरात होते हैं, ये जस्ट 2 सीज़न मुर्गियों को रखते हैं, 2 सीज़न, उसमें वो 13 नंबर फीड देते हैं, जितना हो सकता है उनसे एग्स लेते हैं, और 2 सीज़न रखने के बाद वो सारे के सारे अपने बर्ड्स हैं वो सेल कर देते हैं। लेकिन हमारा और तरह का कारोबार है, हमने फैंसियर है, हमने इनकी खूबसूरती को भी बरकरार रखना होता है और इनसे एग भी लेने होते हैं। तो ये 18 नंबर उतने एग्स नहीं मिलेंगे आपको, 13 नंबर फीड के मुकाबले में एग्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके ये है कि आपके बर्ड्स की सेहत अच्छी रहेगी और प्लस फर्टिलिटी आएगी। मतलब आपके पैसे वहाँ से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 13 नंबर फीड में एग्स की प्रोडक्शन तो बढ़ गई लेकिन फर्टिलिटी कम हो गई। तो 18 नंबर में एग की प्रोडक्शन पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन इससे आपको फर्टिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो बस ये है कि आप अगर तो आप एज आ फैंसियर काम कर रहे हैं तो 18 नंबर फीड को चूज़ कर लें, और अगर आप जस्ट आपका काम है कि एग सेल करना, तो फिर आपके लिए 13 नंबर फीड बेस्ट रहेगी। और चूज़ों के लिए मैंने बताया कि 4 नंबर और 14 नंबर नेशनल की फीड ये मैं यूज़ करता हूँ, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, चूज़ों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।